बड़ी खबर धनबाद से। चर्चित प्रमोद सिंह हत्याकांड में एक बड़ा फैसला आया। 18 साल के बाद इस मामले में फैसला आया है। रणविजय सिंह, संतोष सिंह समेत सभी 6 आरोपी बरी हुए हैं। 2003 में हुई थी कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की हत्या। शुरुआत में इस मामले में राजू रंजन सिंह और रमाधीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। हाई प्रोफाइल मामले की वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी सीबीआई को। सीबीआई में जांच में राजू रंजन सिंह और रमाधार सिंह को आरोप मुक्त कर दिया था। 2006 में सीबीआई ने दाखिल किया था आरोप पत्र। मामले में 18 साल के बाद अब फैसला भी आ गया, तो ये बड़ी खबर धनबाद से इस वक्त। प्रमोद सिंह हत्याकांड से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला आया है। 18 साल बाद इस पर फैसला आया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको धनबाद से बता रहे हैं, जिसमें 18 साल तक चली सुनवाई, जांच के बाद आखिर में प्रमोद सिंह हत्याकांड में एक बड़ा फैसला आ गया है। धनबाद से जुड़ा ये मामला है, साल 2003 का ये मामला है। रणविजय सिंह, संतोष सिंह समेत सभी जो 6 आरोपी हैं वो बरी हो गए, ये बड़ी खबर। 2003 में हुई थी कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की हत्या और इस मामले में सच्चाई की जीत हुई है और न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा था और जो सीबीआई का जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो गया और हम समझते हैं कि यहाँ की जो जिला प्रशासन है सीबीआई से अच्छा कार्य करती है, क्योंकि ये एफआईआर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था, जो फैक्ट था हर एक चीज़ कोर्ट ने समझा और कोर्ट ने समझ करके ये फैसला दिया है। और हम तो शुरू से कहते आए हैं कि ईश्वर और न्यायालय पर हमें भरोसा है और सच्चाई की जीत हुई है। ये पक्षपात रूप से काम किया गया था, द्वेष की भावना से की गई थी, कहीं ना कहीं पैसे की मांग, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं पिछला जो हो चुका है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि न्यायालय और सच्चाई की जीत हुई। ये सीबीआई का काम है किसी भी चीज़ को कहानी को बना करके और उसको पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट सबसे ऊपर बैठा हुआ है और कोर्ट ने ये फैसला देख करके सुनाया। बड़ी खबर, 18 साल बाद इस मामले में फैसला आया है और जो आरोपी इसमें बरी हुए हैं उन्होंने इस पर खुशी जताई और कहा है कि उन्हें फंसाने के मकसद से ही उनका नाम इस मामले में शुमार करवाया था, शामिल करवाया गया था और आखिर में अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ईश्वर के घर में देर है, हम देर नहीं, और बात आज सच साबित हो गई है। और अरुण बंडवाल हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा जुड़े, अरुण से जानते हैं। अरुण, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, ये फैसला से जुड़ी जानकारी और इसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दर्शकों को, क्योंकि 2003 का ये मामला है और बहुत अच्छे तरीके से दर्शक शायद अब याद भी नहीं रख पाए होंगे, भूल भी गए होंगे, तो पहले इस फैसले से जुड़ी बात और उसके बाद इसका बैकग्राउंड। देखिए पंकज, निश्चित रूप से कह सकते हैं 2003 अक्टूबर 2003 के की घटना है ये, दुर्गा पूजा का लगभग समय था वो, और जब ये कोयला व्यवसायी थे प्रमोद सिंह, जिनकी सरेशाम उनके घर के पास धनसार बीएम अगरवाला कॉलोनी है, वहीं पे उनके घर के समीप उनकी हत्या कर दी गई थी। मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था और जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। अब उस संदर्भ में जो पहले जो जो आईओ थे तत्कालीन मदन प्रसाद खरवार, उनके द्वारा जो मृत्यु पूर्व एक बयान आया था प्रमोद सिंह का, जिसमें पहले राजीव रंजन को इसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और साथ ही साजिशकर्ता के रूप में रामधीर सिंह के का भी नाम आया था, जिसमें दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। और उनको उनकी जांच के दरमियान जब रामधीर सिंह को पकड़ने के लिए झरिया पुलिस गई थी, तो उसमें बच्चा सिंह मंत्री थे राज्य सरकार के, और उनके हस्तक्षेप से रामधीर सिंह वहाँ कतरास मोड़ से फरार हो गए थे। तो उस वो मामला अलग चल रहा है और उस मामले में जब, चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, तो अब इसको लेकर पूरा मामला ये सीबीआई के पास चला गया। जब इसके आरोपियों ने की ओर से जब आपत्ति दर्ज कराई गई, तो ये मामला सीबीआई तक गया और सीबीआई ने जांच में पूरे जो मृत्यु पूर्व जो प्रमोद सिंह का बयान जो पुलिस ने दर्ज कराया था उसको खारिज करते हुए अपनी तरफ से जो अनुसंधान नए किए, उसमें जो दिवंगत सुरेश सिंह है जो कांग्रेस नेता और कोयला व्यवसायी, उनके साथ साथ कांग्रेस नेता रणविजय सिंह, संतोष सिंह, मदन प्रसाद खरवार और
चार पांच लोग और जो हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2006 में इससे संबंधित आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए गए। अब उसके बाद ये जो आज जो फैसला सुनाया है सीबीआई कोर्ट ने, वो एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक फैसला आया है इनके खिलाफ, क्योंकि सीबीआई ने स्पष्ट रूप से माना है कि उनके खिलाफ जो भी आरोपी है, सीबीआई उनके खिलाफ पर्याप्त जो सबूत है, साक्ष्य है, वो पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण इन सभी को बरी कर दिया गया। ये अंतिम फैसला, यानी कि ये अब दूसरी अदालत में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि सीबीआई भी मान चुकी है कुल मिलाकर। इसके बाद से अब धनबाद की राजनीति में भी क्या कोई बदलाव नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये मामला? देखिए, निश्चित रूप से धनबाद की राजनीति का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन धनबाद का जो एक कुछ जो दबंग घराने हैं उसमें ये निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। क्यों, जैसा अभी आपसी रंजीत में सिंह मंसन और रघुकुल के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसके कारण नीरज सिंह की हत्या हुई, जो नीरज सिंह के उनके भी हत्या के मामले में सुनवाई होनी है, 14 फरवरी को डेट है उसमें, उसका भी डेट पड़ा है, जो अंडर ट्रायल चल रहा है अभी तक, जिसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत कई लोग आरोपी हैं, कई शूटर जो हैं वो बंद हैं, जेलों में बंद हैं, उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। तो ये जो दो घराने हैं सिंह मंसन और रघुकुल, कह सकते हैं एक ही घराना है, लेकिन जो अलग अलग कुनबा बन गया है, उनके बीच निश्चित रूप से एक हार जीत का जो चल रहा है सिलसिला, उसमें अभी फिलहाल रघुकुल जो है वो भारी पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं वो। और उसके अलावा जो रणविजय सिंह और संतोष सिंह के माध्यम से ही रघुकुल अपने आप को अब ये साबित करने में सफल होगा कि चूंकि ये वो पहले से ही आरोप लगाता आ रहा है कि सिंह मेंशन का पूरा परिवार जो है वो हत्यारों की फैमिली है, अब ये जो मामले आ गए जिसमें सीबीआई ने उनको आरोपी ठहराया था, उसे क्लीन चिट दे दिया है कोर्ट ने, तो वो कह सकते हैं कि जो ये सिंह मेंशन पर आरोपों की बौछार लगा सकते हैं और बढ़ सकती है। तो बहुत कुछ इस कोयलांचल के इतिहास में देखने को मिला और उसका परिणाम जो है अब जल्दी जल्दी आ रहा है। और इन दोनों घरानों के बीच भी एक ऐसे मामले की बात हम कर रहे हैं लगातार, ये लोग जमानत पर बाहर थे या फिर जेल में भी थे कुछ लोग इन आरोपियों में से, सभी लोग बाहर ही थे जमानत पर? इसमें सारे लोग करीब करीब बहुत लंबे समय तक जेल में रहे और फिलहाल अभी सारे जमानत पर बाहर हैं। इसमें सुरेश सिंह समेत 3 लोग की मौत हो चुकी है ट्रायल के दौरान ही, और 6 लोग जो है उनको आज बरी कर दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लेकिन इस बीच हम दर्शकों को जो वकील हैं रणविजय सिंह के, उनका बयान सुनाते हैं, जिन्होंने इस फैसले के आने के बाद से राहत की सांस ली है और इसका स्वागत किया है। अभी और आज बहुत पुराना 2003 का एक प्रमोद सिंह हत्याकांड केस का जजमेंट आया है, जिसमें 6 अक्यूज ट्रायल फेस कर रहे थे। हम लोगों ने इसको कंडक्ट किया ट्रायल को, और इतने साल के बाद फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट पे आज फिक्स था। माननीय न्यायालय ने ऑल 6 अक्यूज जितने भी लोग थे सबको दोषमुक्त कर दिया, सबको बरी कर दिया। ये 2003 अक्टूबर 2003 की घटना है, ये पहले पुलिस केस था, बाद में सीबीआई ने इस केस को ले लिया इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई चार्जशीट दी, उसके बाद इसमें उन्होंने 37 गवाह एग्जामिन किए थे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया उन्होंने, और हम लोगों ने भी कुछ डिफेंस में अपना एक गवाह दिया था और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा था न्यायालय में। 9 थे शुरू में, 3 का डेथ हो गया, एक सुरेश सिंह, कश्मीरी खान और खड़क सिंह, ये 3 का डेथ हो गया है ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ ट्रायल, और बाकी 6 लोग मदन प्रसाद खारवार, ये उस वक्त के थाना प्रभारी थे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, रणविजय सिंह को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, अरशद, अयूब, इनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, संतोष सिंह और हीरा खान। प्रमोद सिंह लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।